हिमाचल टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों को केंद्र की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। जी हां, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हिमाचल को मिली है। ये ट्रेन प्रदेश के ऊना जिले से देश की राजधानी दिल्ली के लिए चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को ऊना पहुंचेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना और अंब अंदौरा से रेल यात्रियों का दिल्ली आना जाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। 14 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी। ये देश की चौथी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये ट्रेन ऊना जिले के अंब अंदौरा से दिल्ली के लिए चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 1 बजे रवाना होगी और सिर्फ 21 मिनट पर ऊना रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएगी। ऊना में ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, फिर 1:23 पर ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। शाम 6:25 पर ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। ऐसे में अंब से दिल्ली तक का सफर अब सिर्फ 5.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, ये ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। गुरुवार यानी कि 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। वहीं वंदे भारत के इनॉग्रल रन के लिए ऊना रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंबाला रेलवे डिवीजन के DRM मनदीप सिंह भाटिया स्टेशन में तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। उत्तरी रेलवे के आला अधिकारी भी ऊना पहुंच रहे हैं। RPF का सुरक्षा दस्ता भी स्टेशन पहुंच चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अब अंदौरा आएगी। ये लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5:15 में तय करेगी। मिली जानकारी के अनुसार अंब अंदौरा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 1 बजे रवाना होगी और मात्र 21 मिनट में ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। यहां 2 मिनट इसके हॉल्ट रहेंगे और फिर 1:23 के लिए दिल्ली के लिए रवाना होगी। चंडीगढ़ से 3:35 पर रवानगी के बाद अंबाला में 4:13 पर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 6:25 पर ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली पहुंचेगी। अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये लगभग 18 कोच की ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। इसमें फोटो कॉटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है जो GRDO की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में बनकर तैयार हुआ है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट भी लगाई गई है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वंदे भारत में CCTV भी लगे हुए हैं। इसमें Wi-Fi की सुविधा भी रहेगी।